कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। बीमार थी, बुखार आया था और गले का आवाज़ आप लोगों को थोड़ा सा सुन के पता ही चल रहा होगा कि गला मेरा अभी भी पकड़ा हुआ है। तो गले के आवाज़ की वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं दे पाती, इसलिए ये बहुत पहले बनाया हुआ ब्लॉग मैं बहुत बाद में अपलोड कर रही हूँ। तो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विंजीर, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। और आज हम लोग आए हैं मनीला के ओशन पार्क में, जिसके बारे में काफ़ी बार मैं ब्लॉग में बता चुकी हूँ और हमारा नहीं आना हो रहा था। तो आज छुप्रे ने कहा कि चलो चलते हैं ओशन पार्क। तो सुबह सुबह हम लोग आज जल्दी से तैयार भी हो गए और लंच भी कर लिए थे जल्दी, हमारा को भी लंच करवा दिए हैं। और अभी बज रहे हैं 1:15 और अभी हम लोग आ पहुँचे हैं ओशन पार्क में। टिकट हमने काटा हुआ है ना शुप्रिया? टिकट तो ऑलरेडी बुक किया हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा है ओशन पार्क, बहुत सुना है इसके बारे में। ओशन पार्क में एंट्री लेते ही आप लोगों को ऐसे कुछ सेक्शन मिलेगा, कुछ ऑडिटोरियम जैसा। तो यहाँ पे हर एक सेक्शन में हर एक टाइप्स के फ़िश वगैरह रखा हुआ है। तो वैसे ही एक पहला वाला सेक्शन में हम लोगों ने एंट्री लिया है और ये सामने बहुत सुंदर सा एक बड़ा सा एक्वेरियम जैसा बनाया गया है। और साथ ही में वहाँ पे बहुत अच्छे से एक ट्री वगैरह सब कुछ करके एक जंगल जैसा, फॉरेस्ट जैसा लुक दिया गया है। तो चलो इंजॉय करो आप लोग भी हमारे साथ। दोस्तों कहते हैं कि समुंदर के नीचे की दुनिया अगर एक बार कोई देख ले तो उसे ऊपर आने का बिल्कुल मन नहीं करता, अगर कोई ऊपर आ भी जाए तो उसे बार बार नीचे जाने का मन करता है, मतलब समुंदर के नीचे। बिल्कुल यही एहसास मुझे यहाँ पे आके मिला। इतनी अच्छे लग रहा था और इतने सारे कलर के फिशेस मुझे देखने को मिल रहा था, मैंने कभी अपने ज़िंदगी में नहीं देखा और मैंने ना कि कभी सोचा है कि ऐसे ऐसे कलर के फिशेस भी होता है। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पहले अपने ब्रदर के साथ बैठ के घंटों तक डिस्कवरी चैनल देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब देखने में। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा ब्रेव नहीं हूँ, मुझे स्विमिंग नहीं आता, इसीलिए शायद मैं समुंदर के नीचे जाकर ये सब अपने खुली आँखों में देखना, मतलब एहसास करना, महसूस करना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैं कोशिश तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करूँगी। लेकिन यहाँ पे आके मुझे इतनी टाइप्स के फिशेस देखने को मिला और इतना प्यारा प्यारा फिशेस था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं हाथों से उसको छूं, इतना अच्छा एक फीलिंग्स था। ये ऑडिटोरियम के अंदर ऐसे एक्वेरियम बनाया गया है और यहाँ पे सारे ब्लू लाइट्स दिया गया है और फिशेस को ऐसे रखा गया है और बाकी पूरा जो एरिया है वो डार्क है, जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, एक मैजेस्टिक व्यू दे रहा था। और ये हम लोग आ गए हैं सबसे बड़ा एक्वेरियम में। शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग स्टीवन रॉबर्ट आर्विन के बारे में जानते हो, एक ऑस्ट्रेलियन ज़ूकीपर थे ये स्टीवन, और ये बहुत ही अच्छा एक टेलीविजन पर्सनालिटी थे। आप लोगों को पता है ये समुंदर के नीचे बहुत टाइम बिताते थे और उनका देहांत हो गया
कैसे पता है? ये है स्टिंगरे फिश। ये स्टिंगरे फिश के जो पीछे ये स्टिंग है, ये लगने से उनका डेथ हो गया था। स्टिंग जाके डायरेक्ट हार्ट में लगा था और उनका डेथ हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिश फ्रेंडली नहीं है। वैसे हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत फिश है जो कि फ्रेंडली है और अपने हाथ को चूम रहे हैं। ये मेरी हाथ नहीं है, ये किसी और के हाथ है। एक पापा और उसके बेटे हैं जो अपने फिश के यहाँ पे फिश लोगों के साथ खेल रहे थे और यहाँ पे अमायरा बैठी हुई थी और मैं ये व्यू एंजॉय कर रही थी। आवाज़ यहाँ पे इतना तेज़ था तो मैंने जो भी बोला वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो पीछे था शार्क और शार्क के सामने मैं बैठी हुई थी और पीछे ऐसे ग्लास का वॉल था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अमायरा पहले के दौर में बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे डर लग रहा था। फिर देखो हमने क्या किया। ऊपर एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बैठ के आप समुंदर के व्यू ले सकते हो। और इस साइड में है एंटार्क्टिका। अच्छा भाभी भाभी, ओ बहुत ज्यादा ठंड है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे था पेंगुइन, तो पेंगुइन को यहाँ पे ऐसे रखा गया है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर लो था, ठंड था। और यहाँ पे जैसे अंदर आप लोग देख पा रहे हो, एक माँ और बेटा गया है। यहाँ पे जो पेंगुइन है बहुत ही छोटा साइज़ का था, इन लोगों को खाना खिला रहे थे। तो हमने ये एक्टिविटीज़ नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था अमायरा को लेकर, क्योंकि अमायरा तो शांत बच्चा बिल्कुल नहीं है इसीलिए। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा देखने में, और ग्लास थोड़ा सा शार्प नहीं था इसलिए शायद आप लोगों को अच्छे तरह से नज़र नहीं आ रही है। माही गाय की हलो, तुम्हारा गाय की पूछे মামা এগুলো কি? বাহ, তোমার গায়ে তো কি পুচ্ছি বাবলি! উসকে বাদ ইয়াহা পে এক সুভেনিয়ার শপ था जहाँ पर हम लोग आए थे। यहाँ पे बहुत सारा डॉल्फिन वगैरह, पेंगुइन, शार्क, सब चीज़ों का, जैसे शॉप टॉयज़ होता है, छोटा छोटा कीरिंग होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ये लोग सेल कर रहे थे। तो अच्छा लगा, बस देख रहे थे हम लोग, कुछ ऐसे ख़रीदे नहीं हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे जो शार्क था वो, लेकिन प्राइस भी इतना ज़्यादा प्राइसी भी नहीं था। यहाँ के टी शर्ट वगैरह सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन हमने कुछ ख़रीदा नहीं। मनीला ओशन पार्क ओशन के किनारे है, तो ये रहा ओशन के व्यू। और उसके बाद हम लोग आए हैं जहाँ पर, ये तो मुझे स्वर्ग जैसा फीलिंग लगा। यहाँ पे था जेलीफिश, और जेलीफिश इतना प्यारा था, मुझे लग रहा था मैं अपने हाथों के ऊपर रखूँ। कभी कोशिश करूँगी ऐसा, अगर मौका मिले तो। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग से प्लेस है, सारे सुमार्ट मैन, बैटमैन, टार्जन, सब के सारे यहाँ पे। देखो सारे बुक वगैरह सब कुछ है। शुक्रिया चिल्ला रही है मायरा मार के, क्योंकि मायरा भाग रही है। ओह माय गॉड, सी द कट पीस। मैं गुदगुदिया, ये हमारे गुदगुदिया गुदगुद 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 कर जाते, ये गुदगुदिया तो गुदगुद कर जाते। जा चले जा चले, जा 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 जा।
फिलहाल हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, तो एक इटालियन रेस्टोरेंट में आके हम लोग बैठे हैं और यहाँ पे मैं अमेरा को बनाना स्मैश करके खिला रही हूँ, क्योंकि बनाना मैं टिफ़िन बॉक्स में लाई थी और थोड़ा सा काली पड़ गई थी, तो मुझे स्मैश करना पड़ा अमेरा को खिलाने के लिए, और अमेरा को भूख भी लग गई थी तो मैंने सोचा फ्रूट उसको खिला देती हूँ। मैं सूजी भी बना के लाई हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं उसको फ्रूट खिला रही हूँ। और शुक्रिया वहाँ पर हमारा ऑर्डर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख हमें भी लग गया है, तो चलो देखते हैं शुक्रिया ने क्या ऑर्डर दिया है। मैं ये साथ में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, हैंड सैनिटाइजर सब कुछ लाई थी, ये जगह को मैंने डिसइंफेक्टेंट करके ही हमारा को अभी यहाँ पे खाना मतलब फ्रूट्स खिला रही हूँ। क्या ऑर्डर किया? मशरूम पास्ता ऑर्डर किया है और बॉल्स ऑर्डर किया है, चीज़ बॉल्स फेंक दिया उसने। तो ये आ गया है बॉल, चीज बॉल एंड पास्ता, तो चलो खा लेते हैं। और अमायरा का जो बनाना था वो खिला दिया मैंने उसको, अभी ये यहाँ पे कार्टून देख रही है। तो अभी हम लोग जहाँ पर आए हैं ये क्रॉलर्स की सेक्शन है, यहाँ पे ऐसे कच्छप वगैरह और स्नेक गिरगिटी ये सारे चीज़ें यहाँ पे रखा गया है, और बहुत खतरनाक स्नेक भी यहाँ पे था, जो कि देख के मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहे थे, लेकिन बहुत कलरफुल भी था, तो चलो देखो। नींद आ चुकी है, तो ओशन पार्क हमने घूम लिया, बहुत अच्छा लगा, मतलब समुंदर के नीचे जाने का तो इतना ज़्यादा ब्रेव नहीं हूँ, कोशिश करूँगी कभी ना कभी जाने की, लेकिन जो भी यहाँ पे दिखाई दिया बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों को लेकर तो बिल्कुल ही आना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का इन सारे चीज़ों में बहुत सारा इंटरेस्ट होता है। पहले हमारा डर रही थी, फिर उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, वो बहुत अच्छी तरह से देख रही थी, स्नेक देख रही थी जो कि मोबाइल में देखे हैं, टीवी में देखे हैं, वो एकदम सामने से देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओशन पार्क का। और अभी मैं रेस्टरूम होके आई हूँ, अभी शुक्रिया गए हैं, वेट कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे और देखते हैं यहाँ से कहीं जाते हैं या डायरेक्ट घर चले जाते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा बिताया हमने। मायरा, आपने अच्छा बिताया आज का दिन? और हमारे को थोड़ा सा नींद ही आ गई है, इसलिए वो इधर उधर देख रही है, सो रही है, आंखें भर रही है, तो अगर नींद आ गया है तो सो जाओ स्ट्रॉलर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच में पड़ गई है, मम्मी क्या बोल रही है यहाँ पे, मैं कैसे सोऊं? लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ओशन पार्क में एक शो होता है, वो हमने अवॉइड किया क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था, और पहले हमने ऐसे शो दबाव सिटी में देख चुके हैं। और यहाँ पे देखो छोटा छोटा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप लोग अपना लंच कर सकते हो, तो फिलहाल हमारा दूसरा प्लान था, दूसरे प्लान की ओर चलिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग घोड़े गाड़ी का सवारी ले चुके हैं, हमारा प्लान था यहाँ से हम लोग इंतापुरा जाएंगे बाय घोड़े गाड़ी। एक्चुअली ये मेरा उटपटांग का जो शौक है वो चलता रहता है, और जिसे सुप्रियो बहुत अच्छी तरह से संभालता भी है, तो उसने बोला था कि तुम्हारा जब शौक है तो हम जाएंगे। एंशियंट शहर में एक ऐसे पुराने घोड़ा गाड़ी में शहर करना और टाउन को देखते हुए चलना, इसका शौक तो किसे नहीं होगा, मुझे भी था, मैं भी चल रही थी इसलिए। और ये है एक ब्रिज जो कि पसा रिवर के ऊपर से जा रहा था, और ये जो ब्रिज है वो 1950 में बनाया गया था ऐसा इन्होंने बताया, मैंने इसके लिए कोई भी रिसर्च नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा।
फिलहाल हम लोग जा रहे हैं प्रेसिडेंट की जो कार्यालय है या फिर उनकी जो रेसिडेंस है वो देखने के लिए। वो देखने के बाद हम लोग चलेंगे चाइना टाउन के ओर, क्योंकि सुप्रियो पहले एक दिन चाइना टाउन आए थे, उसे बहुत अच्छा लगा था। और ये रहा प्रेसिडेंट की जो कार्यालय और रेसिडेंट, ये बहुत ही बड़ा था, बहुत अच्छा था, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे होके हम लोग फिर जाएंगे चाइना टाउन। चाइना टाउन जाते हुए मुझे बहुत ही सस्ता मार्केट दिख गया, तो मैंने यहाँ से ऑनियन और जिंजर खरीद लिया है। यहाँ पे बहुत ही सस्ता है, ओकरा सिर्फ 10 पैसों में, रुपया नहीं। फ्रूट्स भी काफ़ी सस्ते हैं यहाँ पे, लेकिन इतना नहीं ले सकते हम। हमारा घोड़ा गाड़ी ना जाने कहाँ जाके खड़े हुए हैं। देखो ये है दोस्तों बैंक ऑफ फिलिपिन आइलैंड। ये बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है और हेड ऑफिस है शायद इस बैंक के, इसलिए इतना बड़ा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं इतिहास की छात्री रह चुकी हूँ, तो मुझे इतिहास से रूबरू होना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी शहर में जाओ, उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के सामने जो बड़ा सा गेट नज़र आ रहा है, ये है चाइना टाउन के गेट। हम लोग यहाँ से एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ये वन वे है, तो हम लोग पीछे से एंट्री ले रहे हैं। एक समय था जब चाइना के बहुत सारे चाइनीज़ पीपल यहाँ पे आके रहना शुरू किया और यहाँ पे अपना काम धंधा शुरू किया। उस समय के बाद से ये पूरा एरिया जो है ये चाइनीज़ लोगों का ही है। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड शॉप है, आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा चाइना टाउन का ये टूर जो सुप्रिया मुझे दिखाना चाह रहे थे, मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। और फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं मनीला कैथेड्रल की ओर, और ये है मनीला कैथेड्रल चर्च। यहाँ पे आप लोगों को पहले भी ला चुकी हूँ मैं, लेकिन आज फिर से हमें हॉर्स राइड लेना था, तो हॉर्स राइड लेके यहाँ तक पहुँच गए हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग दोस्तों नए जुड़े हो मेरे साथ, अगर आप लोगों को ऐसे इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो पहले मेरे पिछले ब्लॉग है इंतामुरास वाला, तो इंतामुरास वाला जो दो ब्लॉग है वो आप लोग वॉच करो, तो आप लोगों को ये चर्च वगैरह सब कुछ की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरे पीछे है मनीला कैथेड्रल, और हमारा जो टूर है वो यहीं पे ख़त्म होता है, ओशन पार्क से शुरू करके इंतामुरास तक। तो बहुत अच्छा गया, हॉर्स राइड भी बहुत अच्छा था, हमारा बहुत इन्जॉय किया, और अभी हमारा को बहुत ज़्यादा नींद आ गई है। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ से जाएंगे टैक्सी स्टैंड और वहाँ से चले जाएंगे BGC अपना घर। तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देती हूँ। अगर अब तक आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो जाने से पहले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल दोस्तों। टाटा दोस्तों।